नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, इस रावण वध को देखने के लिए पटना जो है वो पूरा गांधी मैदान में उमड़ चुका है। आपको बता दें, इससे पहले पटना जो है कई दिनों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहा था। इसके बावजूद दुर्गा पूजा में लोग अपने घर से निकले, उन्होंने दुर्गा पूजा में मेला घूमा और आज नवरात्रि के दसवें दिन यानी कि विजयदशमी के दिन ऐसा माना जा रहा था कि लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम होगी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर काफ़ी संख्या में जो पटनावासी हैं वो इस पटना के गांधी मैदान में रावण वध का जो कार्यक्रम होता है इसे देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से 75 फीट का जो रावण का जो पुतला है ये खड़ा है, कुंभकर्ण का 70 फीट का पुतला है ये भी खड़ा है, और मेघनाथ का 65 फीट का जो पुतला है ये भी खड़ा है। और इस रावण वध कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा इस रावण वध कार्यक्रम में मौजूद हैं। हालांकि बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को भी शामिल होना था, लेकिन ये लोग इस रावण वध कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, और जिस कारण से नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर सुशील मोदी एक तरफ बैठते हैं और एक तरफ और फिर बाकी लोग बैठते हैं, लेकिन नज़ारा ऐसा था कि मदन मोहन झा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे तो नीतीश कुमार की बगल वाली कुर्सी पर उन्हें बैठाया गया क्योंकि सुशील मोदी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और देखिए किस तरह से रावण वध का जो कार्यक्रम है ये किया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार बीजेपी पर इस बात को लेकर हमला करता है कि बीजेपी हमेशा राम नाम की राजनीति करती है, और आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध का जब कार्यक्रम हो रहा था तो इस कार्यक्रम में बीजेपी के कोई भी नेता नहीं पहुंचे, जिस कारण से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बगल वाली कुर्सी पर बैठाया गया। आज जब बीजेपी के नेता इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं तो आने वाले दिनों में इस पर भी सवाल खड़े होंगे और इस पर भी राजनीति होगी कि आखिर बीजेपी के नेताओं ने राम नाम की राजनीति को छोड़कर आखिर क्या कुछ नया सोचा है। या फिर कहने वाली बात यह भी हो सकती है कि पटना के जल जमाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की किरकिरी हुई है उसके बाद बीजेपी ने इस तरह के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंच पर अकेले दिखे, उनके साथ बीजेपी के कोई नेता शामिल नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उनका साथ दिया। आने वाले दिनों में इस तस्वीर पर भी राजनीति शुरू हो सकती है। तो पूरा देश और पूरा पटना जो है विजयदशमी का त्यौहार है हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। हम भी लाइव सिटीज़ की ओर से आप सभी को विजयदशमी की जो है वो शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से हम रावण को जलाते हैं, रावण के साथ में समाज की बुराइयों को जलाते हैं, उसी तरह से हम अपने अंदर की बुराइयों को भी जलाएंगे और जिसके बाद एक साफ सुथरे समाज का निर्माण होगा। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए लाइव सिटीज़.in पर जरूर। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज़ पटना।